नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा शो रोजगार समाचार में। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा टैलेंट, हमारा पूरा ज्ञान हमें एक अच्छी नौकरी दिलाने में काम में आए, लेकिन कई बार ना हमें अच्छी नौकरी आने का पता लग पाता है और ना ही हमारे पास होते हैं उसे पाने के लिए अच्छे टिप्स। इसीलिए आपके हाथों से कोई नौकरी निकलना चाहे, हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रोजगार समाचार। दोस्तों, आज के शो में हम जानेंगे कि आप फार्मेसी की फील्ड में कैसे अपना करियर बना सकते हैं। फिर हम आपको बताएंगे जयपुर, राजस्थान नेशनल और इंटरनेशनल जॉब वैकेंसीज, जिसे आप अपनी मनचाही नौकरी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं हमारे दिए हुए रेफरेंसेस से। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। रोजगार समाचार शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप अपनी कंपनी के लिए कोई भी एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम उस नौकरी की वैकेंसी को हमारे शो में फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइज करें, तो आप आपकी जॉब प्रोफाइल की पूरी डिटेल्स हमें हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rozgarfirst@firstindianews.com। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जयपुर में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं आपके लिए और क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उन जॉब्स के लिए। सबसे पहले लोकली जो जयपुर में कंपनी आपको ढूंढ रही है वो है श्रीराम वैल्यू सर्विसेज, SVS इस कंपनी का नाम है। और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए अवेलेबल है वो पद है वेब डिजाइनर का पद। अगर बात करूं लोकेशन की, तो लोकली जयपुर की ही लोकेशन ऑफर कर रही है कंपनी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं योग्यता की, यानी कि क्वालिफिकेशन की। तो फोटोशॉप, HTML, CSS और ड्रीम वेवर का कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। साथ ही आपके पास 2 से 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए और सिर्फ और सिर्फ 3 सीट्स वेकेंट है इस कंपनी के पास आपके लिए। तो जल्दी से अप्लाई कीजिए, कहीं सारी सीट्स फिल ना हो जाए। अगर नौकरी आपको पसंद और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो उनके ईमेल आईडी पर अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी है NEEEM@SriRamValue.in। स्पेल चेक आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं, जैसे कि ईमेल भेजने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लोकली कौन सी वो अगली कंपनी है जो कि आपका इंतजार कर रही है। तो अगली कंपनी है DCC ग्लोबल इंडिया और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए वेकेंट है वो पद है फैशन डिजाइनर का पद। अगर बात करें लोकेशन की, तो लोकली जयपुर की लोकेशन ऑफर कर रही है कंपनी आपको। साथ ही योग्यता के नाम पर ग्रेजुएट डिमांड करती है कंपनी, यानी आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हुआ हो सकता है, वो आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस, कोई भी स्ट्रीम हो सकती है। साथ ही 1 से 6 साल का अनुभव भी डिमांड करती है कंपनी आपसे। साथ ही 18 सीट्स वेकेंट इस कंपनी के पास आपके लिए, तो जल्दी से अप्लाई कीजिए। साथ ही कंपनी शानदार रूप से आपको 9 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए सालाना का पैकेज भी ऑफर कर रही है, जो कि एक बड़ा ही शानदार सा पैकेज है। और अगर नौकरी आपको पसंद और आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर, जो कि www.globaldcc.com। इस पर चेक आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लोकली कौन सी वो अगली कंपनी है जो कि आपका इंतजार कर रही है। तो अगली कंपनी है ग्लोबल हंट इंडिया और जो पद, यानी कि जो सीट इनके पास वेकेंट है आपके लिए, वो सीट है पैकेट कोर इंजीनियर की। आपको बता दें कि ये पैकेट कोर इंजीनियर जो चाहिए मेंटेनेंस इंजीनियर होना चाहिए। अगर बात करें लोकेशन की, तो लोकली जयपुर की लोकेशन ऑफर कर रही है कंपनी भी आपको। साथ ही योग्यता के नाम पर BTech आपने किया हुआ होना चाहिए और साथ ही अनुभव की अगर हम बात करें, यानी कि एक्सपीरियंस, जो कि हर जॉब के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, तो 4 से 9 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। साथ ही 4,25,000 रुपए से लेकर 9 लाख रुपए सालाना का पैकेज भी ऑफर कर रही है ये कंपनी आपको। और आपके मन में कोई क्वेरी है जो कि आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं या फिर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप, तो आप इनसे फोन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका फोन नंबर है 0114654782। चलिए दोस्तों, मिले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रोजगार समाचार राजस्थान में पहली कौन सी वो जॉब है जो कि आपका इंतजार कर रही है। तो जो पहली कंपनी आपको राजस्थान में ढूंढ रही है वो है एड्यू विजार्ड्स इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और जो पद, यानी कि जो सीट इस कंपनी के पास आपके लिए अवेलेबल है, वो सीट है ट्यूटर की। और ये जो ट्यूटर ढूंढ रहे हैं वो है बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर की लोकेशन के लिए। अगर बात करें योग्यता, तो ग्रेजुएट डिमांड करती है कंपनी आपसे, यानी आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हुआ हो सकता है,
वो आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस कोई भी फील्ड हो सकती है। और आपको बता दूं कि जो ट्यूटर ढूंढ रही है कंपनी, वो 10th क्लास तक के लिए ही ट्यूटर ढूंढ रहे हैं इस कंपनी ने। साथ ही आपके पास 1 से 6 साल का ट्यूटर का अनुभव होना चाहिए। साथ ही 10 सीट्स अवेलेबल हैं इस कंपनी के पास आपके लिए। साथ ही अगर हम पैकेज की बात करें तो 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए पर आर का पैकेज भी ऑफर कर रही है कंपनी आपको। और आपके मन में कोई भी क्वेरी है जॉब से रिलेटेड और आप इस नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनसे फोन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका फोन नंबर है 01203455555। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली कौन सी वो कंपनी जो कि आपका इंतजार कर रही है। तो अगली कंपनी है एक्सवेल ह्यूमन रिसोर्स, और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए वेकेंट है वो पद है मैनेजर का पद। अगर बात करें लोकेशन की तो जोधपुर और उदयपुर की लोकेशन ऑफर कर रही है कंपनी आपको। अगर हम योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएट डिमांड करती है कंपनी भी, यानी कि आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हुआ हो सकता है, वो आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस आपने ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। अगर हम अनुभव की बात करें तो 1 से 6 साल का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। साथ ही 1,50,000 रुपए से लेकर 6,50,000 रुपए सालाना का पैकेज ऑफर कर रही है कंपनी आपको। और अगर आप इस नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनका वेबसाइट का पूरा पता इस प्रकार है www.xwelljobs.com। साथ ही इस कंपनी से आप ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी का पूरा पता इस प्रकार है xwelljobs@gmail.com। स्पेल चेक लैब आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। साथ ही इस कंपनी से आप फोन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके मन में जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इनका फोन नंबर है 08955952411। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सी वो अगली कंपनी है जो कि रोजगार समाचार राजस्थान में आपका इंतजार कर रही है। तो अगली कंपनी है एशिया वेब मीडिया, और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए अवेलेबल है वो पद है एचआर का पद, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का पद। अगर बात करें लोकेशन की तो जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जैसलमेर की लोकेशन ऑफर करती है कंपनी आपको, यानी कि बड़ी ही वेरियस लोकेशंस ऑफर कर रही है कंपनी आपको एचआर के पद के लिए। अगर बात करें योग्यता की तो एमबीए या फिर बीबीए आपने किया हुआ होना चाहिए अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। साथ ही आपके पास अनुभव के रूप में 0 से लेकर 3 साल का अनुभव होना चाहिए, यानी अगर आप फ्रेशर हैं तो भी बेझिझक इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर हम पैकेज की बात करें तो 1,00,000 रुपए से लेकर 4,50,000 रुपए सालाना का पैकेज भी ऑफर कर रही है कंपनी आपको। साथ ही अगर इस जॉब के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी आपको काफी पसंद है, तो आप जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जो कि है www.asiawebmedia.in। इस पर चले आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं जिससे कि वेबसाइट में लॉग इन करने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। साथ ही इस कंपनी से आप फोन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके मन में और भी कोई क्वेरीज हैं जो कि आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो आप इनसे फोन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका फोन नंबर है 09919-03287। दोस्तों, यदि आपका सपना है मेडिकल की फील्ड में करियर बनाने का तो फार्मेसी में करियर की काफी अच्छे ऑप्शंस आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कि किस तरह आप फार्मेसी की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। फार्मेसी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मंदी के दौरान भी जॉब की कोई कमी नहीं थी। करियर के लिहाज से देखें तो एक शानदार सेक्टर है। इसके साथ साथ आज भारत क्लिनिकल रिसर्च आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में भी ग्लोबल हब बनकर उभर रहा है। यदि आप मेडिकल की फील्ड से जुड़ना चाहते हैं तो फार्मेसी के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। कोर्स डी फार्मा और बी फार्मा कोर्स में मेडिसिन के क्षेत्र से जुड़ी उन सभी बातों की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जानकारी दी जाती है जिनका प्रयोग आमतौर पर इस इंडस्ट्री के लिए जरूरी होता है। इसके साथ फार्माकोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी फार्मास्यूटिकल, हेल्थ एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी आदि विषयों की जानकारी दी जाती है। योग्यता साइंस स्ट्रीम से 12th पास करने के बाद आप 2 साल के डी फार्मा कोर्स या 4 साल के बी फार्मा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित कई संस्थान अंडर ग्रेजुएट कोर्स करवाने के अलावा एम फार्मा कोर्स भी करवाते हैं। पहले भारत में फार्मास्यूटिकल की पढ़ाई गिने चुने संस्थानों में ही होती थी, लेकिन तेजी से बढ़ते बाजार और ट्रेंड, लोगों की मांग को पूरा करने के लिए अब कई संस्थानों में ऐसे कोर्स शुरू हो गए हैं। फार्मास्यूटिकल्स फील्ड में करियर ऑप्शंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भारत आज फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। यहाँ नई नई दवाइयों की खोज व विकास संबंधी कार्य किया जा सकता है। R&D क्षेत्र को जेनेरिक उत्पादों के विकास, एनालिटिकल R&D, API या बल्क ड्रग R&D जैसी श्रेणियों में बांटा जा सकता है।
इन सब का अपना सुपर स्पेशलाइजेशन है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यह इस इंडस्ट्री की प्रमुख ब्रांच है जो स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराती है। आप चाहें तो इस क्षेत्र में मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट या मेडिकल इन्वेस्टिगेटर बनकर अच्छा करियर बना सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जीन संरचना के अध्ययन और मेडिकल व ड्रग रिसर्च संबंधी मामलों में प्रोटीन के इस्तेमाल का अध्ययन करता है, जबकि फार्माकोलॉजिस्ट का काम इंसान के अंगों व ऊतकों पर दवाइयों व अन्य पदार्थों के प्रभाव का अध्ययन करना होता है। इसी तरह टॉक्सिकोलॉजिस्ट दवाओं के घातक प्रभाव को मापने के लिए अलग अलग परीक्षण करता है। मेडिकल इन्वेस्टिगेटर नई दवाइयों के विकास व टेस्टिंग की प्रक्रिया से जुड़ा होता है। मानव जैविकी और दवाइयों संबंधी अपने बैकग्राउंड के कारण वे इसकी रिसर्च प्रक्रिया के लिहाज से बेहद अहम होते हैं। फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट पर दवाइयों और चिकित्सा संबंधी अन्य सहायक सामग्रियों के भंडारण, स्टॉकिंग और वितरण का जिम्मा होता है, जबकि रिटेल सेक्टर में फार्मासिस्ट को एक बिजनेस मैनेजर की तरह काम करते हुए दवा संबंधी कारोबार चलाने में समर्थ होना चाहिए। क्लिनिकल रिसर्च, जब कोई नई दवा लॉन्च करने की तैयारी होती है तो दवा लोगों के लिए कितनी सुरक्षित और असरदार है, इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल होता है। भारत की जनसंख्या और यहाँ उपलब्ध सस्ते प्रोफेशनल की वजह से क्लिनिकल का कारोबार तेजी से फलने फूलने लगा है। इस क्षेत्र में हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय जगत की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। आज देश में कई विदेशी कंपनियां क्लिनिकल रिसर्च के लिए आ रही हैं। दवाइयों की स्क्रीनिंग संबंधी काम में नई दवाओं या फॉर्मुलेशन का पशु मॉडलों पर परीक्षण करना या क्लिनिकल रिसर्च करना शामिल है, जो इंसानी परीक्षण के लिए जरूरी है। क्वालिटी कंट्रोल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ये एक अहम कार्य है। नई दवाओं के संबंध में अनुसंधान व विकास के अलावा ये सुनिश्चित करने की भी जरूरत होती है कि इन दवाइयों के जो नतीजे बताए जा रहे हैं वे सुरक्षित, स्थायी और आशा के अनुरूप है। ब्रांडिंग एंड सेल्स, फार्मेसी की पृष्ठभूमि से जुड़ा कोई प्रोफेशनल MBA डिग्री धारी और यहाँ तक कि साइंस की डिग्री प्राप्त करने वाला शख्स भी सेल्स एंड मार्केटिंग में करियर बना सकता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मार्केटिंग का रोल काफी अहम है। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स उत्पाद की बिक्री के अलावा बाजार की प्रतिस्पर्धा पर भी निगाह रखते हुए इस बात का निर्धारण करते हैं कि किस उत्पाद के लिए बाजार में ज्यादा संभावनाएं हैं। इसी के मुताबिक रणनीति तैयार की जाती है। इस क्षेत्र में काम करने के लिए यदि आपके पास बी फार्मा के साथ साथ MBA की भी डिग्री है तो सोने पर सुहागा वाली बात होगी। सैलरी पैकेज, बी फार्मा करने के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनियों में आप बतौर केमिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च आउटसोर्सिंग में बतौर रिसर्च असिस्टेंट, सरकारी, प्राइवेट और मेडिकल कॉलेज में फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। एम फार्मा करने के बाद लैब में वैज्ञानिक तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के रिसर्च और डेवलपमेंट विभाग में काम कर सकते हैं। शुरुआत में आपको 10 से 15,000 रुपए तक की नौकरी मिल सकती है। फार्मेसी में MBA, CRO में बतौर सलाहकार तो कंपनियों में बिजनेस एग्जीक्यूटिव और मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव पदों पर काम कर सकता है। संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पंजाब, कॉलेज ऑफ फार्मेसी दिल्ली विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुंबई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज केरल, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिलानी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। तो दोस्तों, जाना आपने कि किस तरह फार्मेसी की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल जॉब वैकेंसीज कौन कौन सी है, साथ ही साथ बताएंगे आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के कुछ खास टिप्स। तो कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौट रहे हैं रोजगार समाचार में।